कंफर्ट का आराम, डिस्क ब्रेक की सुरक्षा, अब बजाज प्लैटिना पर 2800 रुपए तक की बचत। भागलपुर के नवगछिया गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाई गांव की प्राइवेट शिक्षिका दीक्षा झा के संदेहास्पद मौत मामले में उसके पिता रगरा निवासी मदन मोहन मिश्र ने गोपालपुर थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में मृतक की सास आशा देवी और पति मनीष कुमार झा को नामजद किया गया है। मृतिका के पिता वयोवृद्ध मदन मोहन मिश्र ने कहा कि 2 नवंबर को फोन से सूचना दी गई कि गोसाई गांव में उसकी पुत्री दीक्षा ने फांसी लगा ली है। जब वे अन्य परिजनों के साथ गांव पहुंचे तो वहां पर देखा कि आंगन में दीक्षा का शव पड़ा हुआ है और उसके गले पर काला निशान है। जब दीक्षा के ससुराल वाले उसकी सास और उसके पति से मनीष ने पूछताछ की तो उन लोगों को किसी भी प्रकार का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। मदन मोहन मिश्र ने कहा कि अक्सर उनकी पुत्री दीक्षा रगरा में ही रहती थी। ससुराल वालों के प्रताड़ना से आजीज होकर वह अपने ससुराल जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन इस बार दशहरा में दीक्षा के पति मनीष उसे बहला फुसला कर गाँव ले गए थे। मिश्र ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि मनीष कुमार और उसकी मां आशा देवी ने एक साजिश के तहत उसकी पुत्री दीक्षा की हत्या कर दी है। मदन मोहन मिश्र ने कहा कि उसकी पुत्री जब भी ससुराल जाती थी तो मनीष अपनी मां के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट करता था। दीक्षा आकर शिकायत करती थी तो वो मनीष को ऐसा ना करने की हिदायत देते थे तो मनीष आग बबूला होकर कहता था, अभी तो मामूली रूप से मारपीट की गई है, आए दिन दीक्षा की हत्या भी कर सकता हूँ। दीक्षा की बहन भागलपुर निवासी निभा कुमारी से बातचीत में पता चला कि दीक्षा का पुत्र यश कुमार उसके ससुराल वालों के कब्जे में है। उन्हें आशंका है कि कहीं उसके मासूम बच्चे के साथ भी किसी प्रकार की घटना को अंजाम ना दे दिया जाए। गोपालपुर थाना के थाना अध्यक्ष कुणाल आनंद चक्रवर्ती ने कहा कि मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। बीटी न्यूज बिहार के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। मैं मदन मोहन मिश्र, पिता स्वर्गीय चुखेरा रामपुर जिला भागलपुर का हूँ। क्या घटना हुई है? गोपनीय तरीके से खबर मिली, आपकी लड़की फांसी लगा करके मर गई है। यहाँ से हम लोग बच्चिया के साथ, बच्चियों के साथ, 2-3 बच्चियों के साथ उसकी माँ के साथ गए देखने। आंगन में बच्चिया को सुलाया हुआ था, हम लोगों ने पूछा कि कैसे मरी तो फांसी लगा करके मर गई। उसके गले में रस्सी का काला दाग था और माँ को कहती थी आकर के, यहाँ यहीं पर 1-2 महीने रहती थी। जब गोसाई गाँव नहीं जाना चाहती थी, लेकिन 18 अक्टूबर को यहाँ से उसके पति जबरदस्ती लेकर के, चलो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में आकर के पूजा करना, हम ठीक हो जाए। मैंने गैस्ट्रिक, आपको क्या आशंका है, आपने क्या मतलब केस फाइल किया है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? वो मेरा दावा है कि उसकी सास जिसका नाम अभाव आशा कुमारी आशा देवी और पति मनीष कुमार था, दोनों ने साजिश के तहत उसको मर्डर किया है, दोनों ने हत्या कर दिया है। आप क्या क्या गुहार लगाते हैं, आप क्या एसपी से? मैं गुहार लगाता हूँ कि उचित कानूनी कार्रवाई कर, मेरी बेटी के साथ बच्ची के साथ इंसाफ हो। अभी तक आपने मामले की किसको जानकारी दी है? गोपालपुर थाना अध्यक्ष प्रभारी। अभी तक मामले में किसी की गिरफ्तारी या कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई कार्रवाई हुई है? हमको नहीं मालूम, बोला है कल करेंगे। फरेंसी रिभा कुमारी, मेरा घर तिलका मांझी भागलपुर है। मेरी छोटी बहन की दीक्षा जिसकी हत्या कर दी गई है गोसाई गांव में, यहाँ हम लोग को बड़ी दीदी के माध्यम से मालूम हुआ कि उसका किसी ने मतलब हत्या कर दिया है, लेकिन उसके बाद जब हम लोग दीक्षा को फ़ोन लगाए या उसके हस्बैंड को फ़ोन लगाए, कोई किसी का फ़ोन नहीं लगा। हम लोग को और डर हो गया कि कुछ सही में बात हो गया है,
उसके बाद मेरी बहन बेटी एक और है उस घर में, उसको मोना को लगाए फ़ोन, वो भी फ़ोन नहीं उठाए। तीन चार बार के बाद वो फ़ोन की कि ऐसे ऐसे घटना हुई, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। अभी उसको डॉक्टर के यहाँ के जाके यहाँ ले जा रहे हैं, आप लोग आइए। हम लोग बोले कि आ रहे हैं हम लोग देखने के लिए, वहीं पे रहने देना, हम लोग आएंगे वहाँ पर देखने के लिए। लेकिन जब हम लोग वहाँ एक भी जाके यहाँ पहुँचे तो वो लोग वहाँ से लेके उसको चले गया था घर। तो उसके बाद हम लोग गोसाई गाँव पहुँचे तो वहाँ देखे उसको, जब देखे पूछे उससे क्या हुआ है कैसे हुआ, तो वो लोग बताए कि फांसी दुपट्टा से लगा के लग गई थी हम लोग का। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से, क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए, उन लोग को सजा दिया जाए। हाँ, सख्त से सख्त सजा मिले।